तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय और हम सब खुश हैं कि अब साल 2020 खत्म हो रहा है और सब उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 एक अच्छा बदलाव लेके आएगा। साल 2020 जिसमें कोरोना वायरस ने दस्तक दी, कोरोना वायरस के आते ही लोगों ने इंग्लिश के कुछ शब्द पहली बार सुने और उसे एक्सपीरियंस भी किया, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन और लॉकडाउन। 21वीं सदी में जहाँ लोगों के पास 5 मिनट रुक के किसी से बात करने का समय नहीं था, वही कोरोना वायरस ने सब कुछ रोक दिया और लोगों को न चाहते हुए भी अपने ही घरों में बंद होकर रहना पड़ा। और अपने ही घरों में रहना जरूरी भी था क्योंकि कोरोना वायरस ने अब तक पूरी दुनिया में लगभग 16 लाख लोगों की जान ले ली और आर्थिक तंगी के चलते बहुत से बिजनेस बंद हो गए, बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। ये महामारी का दौर बहुत से लोगों के लिए मुश्किल भरा रहा, लेकिन कुछ लोग इस महामारी के दौर में मालामाल हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 60% से ज्यादा अरबपति साल 2020 में और अमीर हो गए हैं। और इन्हीं अरबपतियों में से आज हम उन 5 अरबपति की बात करेंगे जिनकी संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है इस महामारी के दौर में। तो सबसे टॉप पे आते हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो कि स्पेसएक्स के फाउंडर हैं और टेस्ला के सीईओ। साल 2020 में एलॉन मस्क की संपत्ति में 140 अरब डॉलर और जुड़ गए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 21 दिसंबर 2020 तक एलॉन मस्क की कुल संपत्ति 1,67,000 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। और इतना ही नहीं, नवंबर में एलॉन मस्क ने अरबपतियों की लिस्ट में बिल गेट्स को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर आ गए हैं और पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस। फोर्ब्स के अनुसार जब से उन्होंने अमीर लोगों की सूची बनाना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक किसी भी अरबपति ने एक साल में इतनी कमाई नहीं की है। आपको बता दूं कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है और इस साल टेस्ला की कारों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। इसी के साथ एलॉन मस्क की दूसरी कंपनी स्पेसएक्स एक पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने इस साल स्पेस में एस्ट्रोनॉट लॉन्च किया है। एलॉन मस्क के बाद इस महामारी के दौर में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों में आते हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर और सीईओ हैं। ये वो शख्स हैं जिसने साल 2020 की शुरुआत सबसे अमीर शख्स बनकर की थी और साल 2020 का अंत भी सबसे अमीर शख्स बनकर ही किया है। जेफ बेजोस सिर्फ अमेज़न के फाउंडर और सीईओ ही नहीं है बल्कि अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं। जेफ बेजोस ने इस महामारी के दौर में कुल 72 अरब डॉलर कमाए और इस कमाई का वजह रहा लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही मंगवाई। और अभी जेफ बेजोस की कुल संपत्ति है लगभग 1,87,000 मिलियन डॉलर। जेफ बेजोस के बाद तीसरे नंबर पे है जोंग सनसन। जोंग सनसन नॉन्गफू स्प्रिंग के फाउंडर हैं। नॉन्गफू स्प्रिंग एक बॉटल बंद पानी की कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी 1996 में और इस साल जोंग ने लगभग 69 अरब डॉलर की कमाई की। जोंग ने टेंसेंट के पोनी मा और अलीबाबा के जैक मा जैसे अरबपतियों को पीछे छोड़ चाइना के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जोंग के बाद चौथे नंबर पे है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। बर्नार्ड अर्नॉल्ट फ्रांस के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अर्नॉल्ट LVMH नामक कंपनी के मालिक हैं जो कि लग्जरी सामान बेचती है। महामारी के दौर में लग्जरी प्रोडक्ट की बिक्री में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद LVMH के कुछ प्रोडक्ट साउथ कोरिया और चाइना में बहुत ज्यादा खरीदे गए, जिसके वजह से अर्नॉल्ट को इस महामारी के दौर में लगभग 34 अरब डॉलर की कमाई हुई और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 146 अरब डॉलर हो गई। अर्नॉल्ड के बाद आते हैं पांचवे नंबर पे डैन गिलबर्ट। डैन गिलबर्ट जो कि द नेशनल बास्केट एसोसिएशन क्लीवलैंड कैवलियर्स के मालिक हैं और रॉक वेंचर्स के फाउंडर हैं और साथ ही साथ क्विकन लोन्स के को फाउंडर भी हैं। गिलबर्ट्स ने इस साल 28 अरब डॉलर की कमाई की है और गिलबर्ट्स की कुल संपत्ति है 35 अरब डॉलर की। गिलबर्ट की कुल संपत्ति एक साल में 6 गुना बढ़ी है और इसकी वजह है उनकी कंपनी क्विकन लोन्स का IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए। तो ये थे वो 5 अरबपति जिनके लिए 2020 सबसे ज्यादा अच्छा रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।